अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, स्टेट मैनेजमेंट का। स्टेट मैनेजमेंट इन ASP.NET ये होती क्या है? ये है जब आप वेब कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आप डिफरेंट पेजेस पे मूव करते हैं, ठीक है। जब आप डिफरेंट पेजेस पे मूव करते हैं तो पहले पेज पे आपने क्या एक्शन परफॉर्म किया था। अगर आप उसे कहीं स्टोर करना चाहते हैं, HTTP आपको ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। बिकॉज क्योंकि HTTP है क्या, हमारा स्टेट लेस प्रोटोकॉल है। स्टेट लेस प्रोटोकॉल मतलब क्या है, वो आपकी जो है स्टेट मेंटेन नहीं करता। यानी कि जैसे ही आप ब्राउजर क्लोज करेंगे आपका सारा डाटा क्या होगा, वो डिस्कार्ड हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। HTTP क्या है, स्टेट मेंटेन नहीं करता। स्टेट मेंटेन का मतलब ये है कि आपने पहले पेज पे कोई एक्शन परफॉर्म किया, फॉर एग्जाम्पल लॉगिन किया, तो दूसरे या तीसरे वेब पेज पे जब आप विजिट करेंगे तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि आप जो है लॉग्ड इन ही हैं, ठीक है। या फिर एक और एग्जाम्पल लें, ई कॉमर्स की एग्जाम्पल ले लें। पहले पेज पे आपने जो है एक पैंट सेलेक्ट करी और दूसरे पेज पे क्या आपने एक शर्ट सेलेक्ट करी है, ठीक है। तो तीसरे पेज पे जो है उन दोनों का कह लें कि सम कैसे शो हो जाता है, ये कैसे हमें पता चलता है कि पहले पेज पे जो है आपने कोई ना कोई पैंट सेलेक्ट करी है, दूसरे पे आपने कोई ना कोई शर्ट सेलेक्ट करी है, और फिर तीसरे पे क्या होता है, उन दोनों चीजों का मेरे पास क्या कह लें कि एक तरीके से सम मेरे पास शो हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो है HTTP हमारा स्टेट मेंटेन नहीं करता, डेट्स वाई वी हैव स्टेट मैनेजमेंट। हमारे पास क्या है, स्टेट मैनेजमेंट है इन ASP.NET एंड PHP ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू दी फॉलोइंग फोर थिंग्स। वो चार चीजें कौन कौन सी है हमारे पास, वो हैं कुकीज, सेशन, एप्लीकेशन स्टेट और टेम्प डेटा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं जो है एक पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। फाइल पे गया, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा ASP.NET, इसका मैंने नाम क्या रखा, स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है, अंडरस्कोर स्टेट मैनेजमेंट 1 नाम रखा है इसका मैंने, सही है। ASP.NET वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करा, ओके करा, क्रिएट हो गया। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा एम्प्टी और यहाँ से MVC पे चेक लगाया और ओके कर दिया। अच्छा, ये क्या हुआ, मेरी जो एप्लीकेशन बन चुकी है, मैं जो है पहले एक कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ। कैसे करा, राइट क्लिक करा कंट्रोलर पे, कंट्रोलर पे करा राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, इसका मैंने नाम क्या रखा, नाम रखा मैंने इसका ऑथ। कंट्रोलर बन गया मेरा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, ऐप स्टार्ट पे जाके मैं जो है कंट्रोलर नेम चेंज करूंगा। जब मेरी एप्लीकेशन रन होगी तो कौन सा कंट्रोलर चलेगा, सबसे पहले मैंने कहा ऑथ का चलेगा, ठीक है। इसका एक्शन कौन सा है, इंडेक्स नेम है एक्शन, ये चलेगा सबसे पहले, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है इसका व्यू जनरेट कर दूंगा। व्यू कैसे जनरेट करते हैं, सिंपल इंडेक्स मेथड पर राइट क्लिक करा और ऐड व्यू, ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर दिया मैंने। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एक लॉगिन पेज क्रिएट करूंगा। लॉगिन वो व्यू बन चुका है इसका, मैंने क्या लिखा यहां पे, लॉगिन पेज, सही है। और यहां पे मैंने क्या करा, मैंने एक फॉर्म ले लूंगा यूजिंग HTML.begin फॉर्म। और ये यहां मैं क्या करूंगा, मैंने जो है लेबल और मैं वो ले लूंगा एडिटर वगैरह, एक डिव ली मैंने, इसके अंदर क्या कहा, @HTML.label। ये लेबल किस चीज का है मेरा, ये लेबल है मेरा यूजर नेम का, सही है। क्या लिखा हुआ आ जाए, यूजर नेम, इसी को मैंने करा कॉपी, इस लाइन को मैंने कॉपी करा
और यहाँ पे पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। मैंने लिया एक लेबल है और एक क्या ले लिया मैंने, सेलेक्ट कर दिया डॉट एडिटर, ठीक है। इसका नाम क्या रखा मैंने, यूजर टीएक्सटी, सही है। एक और लेबल लिया मैंने किस नाम से, पासवर्ड के नाम से, पासवर्ड। इसका नाम क्या रखा मैंने, पास टेक्स्ट, सही है। और इसके नीचे मैं जो है एक बटन ले लूंगा, बटन कैसे लेते हैं, यहाँ पे जो है मैंने एक और डिव ले ली, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और वैल्यू लिखा हुआ क्या आएगा इस पे, लिखा हुआ आ जाए बटन पे लॉग इन, ठीक है। ये मैंने क्या किया, सिंपल एक फॉर्म जनरेट कर दिया। अच्छा, ये मैंने क्या किया, सिंपल एक फॉर्म क्रिएट कर दिया, रन करके दिखाता हूँ मैं। तो ये क्या है, मेरा शो हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों लेबल लिए हैं, ठीक है। एक मैं क्या लूंगा, यहाँ पे एक लेबल और एक एडिटर लिया मैंने यहाँ पे, एडिटर, ठीक है। दोबारा रन करा मैंने इसको, अब देखें ये क्या आ गया, मेरा यूजर नेम और ये आ गया मेरा पासवर्ड। लॉगिन करा मैं, इस वक्त यहीं पे ही हूँ, ठीक है। अब ये क्या है मेरा, अगर मैं कंट्रोलर पे आऊं, ये क्या होता है, मेरा गेट मेथड होता है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि लॉगिन होने के बाद मुझे कोई ना कोई एक्शन कुछ हो, ठीक है, मेरा डाटा कहीं पे जाए, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा पोस्ट मेथड कहलाता है। उसके लिए क्या करूंगा, सिंपल मैंने इसको करा कॉपी और इसी के नीचे मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। यहां मैंने क्या लिया, HTTP पोस्ट, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या लिया, इसके पैरामीटर के अंदर मैंने लिए स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग लूंगा, कौन से, जो नाम यहां पे रखे हैं वही होने चाहिए, एक होगा पास टेक्स्ट के लिए और एक होगा यूजर टेक्स्ट के लिए, ठीक है। यूजर टेक्स्ट पूरा लिख देता हूं मैं, पास टेक्स्ट और यूजर टेक्स्ट, ठीक है। मैंने यहां पे लिया स्ट्रिंग यूजर टेक्स्ट कॉमा स्ट्रिंग, और एक और क्या था मेरे पास, पास टेक्स्ट। अच्छा, स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो आपने यहां पे लिखी हुई है, सही है। अब इसका मतलब क्या है, मैंने जो है यहां पे कहा इफ यूजर टेक्स्ट इक्वल्स टू यूजर टेक्स्ट क्या हो मेरे पास, हारिस हो, सही है। एंड मेरे पास पास टेक्स्ट क्या हो, इक्वल्स टू वो हो मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल 123, सही है। अगर ऐसा हो तो मुझे रिटर्न कर दो, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, किस एक्शन पे लेके जाएगा, मेरे पास तो कोई एक्शन बना हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ। कैसे करूंगा, मैंने कहा ये कंट्रोलर का फोल्डर है, इस पे किया मैंने राइट क्लिक, एड कंट्रोलर, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया एम्प्टी, इसका नाम रखा मैंने होम कंट्रोलर, सही है, और एड कर दिया, एड हो गया होम कंट्रोलर, मेरे पास आ गया होम कंट्रोलर, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब जो है लॉगिन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर नेम दूँ हारिस और पासवर्ड दूँ 123, तो मेरा रीडायरेक्ट एक्शन किस पे चले, इंडेक्स मेथड है, ठीक है, इंडेक्स एक्शन रिजल्ट। और ये किस कंट्रोलर के अंदर है, ये है मेरे होम कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले क्या करता हूँ, इससे पहले क्या करूंगा, मैं जो है एक कुकी जनरेट कर दूंगा। कुकी जनरेट कैसे करते हैं, मैं जो है यहां पे आया, मैंने लिखा HTTP कुकी, सही है। इसका नाम रखा मैंने फॉर एग्जाम्पल केटी रख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू HTTP कुकी, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या जाएगा, कुकी का नेम जाएगा और उसकी वैल्यू जाएगी। ठीक है, क्या दे रहा है मुझे, दे रहा है स्ट्रिंग नेम। नेम दिया मैंने इसको, कुकी को नेम क्या दिया मैंने इसको, यूजर दिया। ठीक है, और मैंने कुकी को वैल्यू क्या दी, वैल्यू दे दी मैंने इसको हारिस। क्लियर है। और मैंने रिस्पॉन्स ऐड कैसे कराऊंगा, मैंने लिखा रिस्पॉन्स डॉट कुकी और डॉट ऐड, यानी कि इसके अंदर मैंने क्या डाटा स्टोर करा दिया जो भी इस केटी के अंदर है। यहां लिख दिया मैंने केटी। क्लियर है, ये मेरी क्या हो गई, सिंपल कुकी जनरेट हो गई है। अब मैं जो है किस पे आया, ये मेरा होम कंट्रोलर है, ये मेरा होम कंट्रोलर है। अब मैं इसके व्यू पे जाऊंगा। ठीक है, ये रहा इसका व्यू, या फिर मैं चाहूँ तो राइट क्लिक करके भी जनरेट कर सकता हूँ। राइट क्लिक करा, ऐड व्यू, ऐड। ठीक है, ये मेरा किसका व्यू आ गया, होम का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया होम व्यू। क्या लिखा मैंने, दिस इज होम व्यू। अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखी एक कंडीशन, क्या यूज करूंगा मैं यहाँ पे, रेदर सेंटेक्स्ट इफ रिक्वेस्ट डॉट रीडायरेक्ट, क्या यूज होगा इसका, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। सही है, और कुकी का नाम क्या है, मेरा यूजर नाम है। इक्वल्स इक्वल्स टू नल, यानी कि कुकी के अंदर अगर कोई भी वो वैल्यू नहीं है तो क्या करो मुझे, एट द रेट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट टू एक्शन, रीडायरेक्ट टू राउट, कहाँ पे लेके जाओ मुझे, लेके जाओ इंडेक्स एक्शन रिजल्ट पे। मैंने जो है इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट कुकी यूजर इक्वल्स टू नल, मैंने यहाँ पे लिया एक पी का टैग। ठीक है, यहाँ क्या लिखा मैंने, एट द रेट एच टी एम एल डॉट एक्शन लिंक। एक्शन लिंक कैसे लिखूंगा, मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा, क्या लिखा मैंने, टेक्स्ट लॉग इन प्लीज, ये टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। सही है, और अगर इस पे क्लिक करूं तो कहाँ पे रिडायरेक्ट, कहाँ पे लेके जाएगा मुझे, मैंने कहा इंडेक्स एक्शन रिजल्ट पे लेके जाएगा। और ये किस कंट्रोलर के अंदर है, ये जो है मेरे ऑथ कंट्रोलर के अंदर है। सही है, यहां तक क्लियर है। अब मैंने इसी के नीचे लिखा एल्स और यहां पे ले लिया एच टू का टैग। इस टैग के अंदर मैंने क्या डिफाइन करा, मैंने कहा वेलकम, यानी कि अगर मेरी कुकी नल नहीं होगी क्या आएगा मेरे पास, वेलकम एट द रेट रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। कुकीज का नाम क्या है, कुकी का नाम क्या है मेरे पास, यूजर। ठीक है, और आगे डॉट वैल्यू, जो भी उसके अंदर वैल्यू है वो मुझे शो हो जाएगी। अच्छा, मैंने जो है ये होम के अंदर बना दिया है कि अगर मैं लॉगिन नहीं हूं तो मुझे कहां पे लेके जाएगा, ये इंडेक्स एक्शन रिजल्ट, और ऑथ क्या है इसका, कंट्रोलर नेम है। ठीक है, अगर कुकी के अंदर वैल्यू कुछ ना कुछ है तो क्या शो हो जाए मुझे, वेलकम, वेलकम शो हो जाए, रिक्वेस्ट डॉट कुकी यूजर डॉट वैल्यू, जो भी उसके अंदर वैल्यू होगी। सही है, खैर मैं जो इसको रन करता हूं, अगर मैं ऑथ कंट्रोलर पे रन करूं इसको, लॉग इन हूं हारिस, पासवर्ड दिया 123 और लॉग इन कर दिया।
यहाँ मैंने क्या दिया हुआ है पासवर्ड, अगर मैं देखूँ तो हारिस एंड पासवर्ड इक्वल्स टू 123। अच्छा मैं जो है ये मैंने क्रिएट करा, ठीक है। अब मैं ऑथ कंट्रोलर अगर रन करूँ, यहाँ मैंने क्या दिया हुआ यूज़र नेम हारिस और 123, तो मैं इसको रन करने के बाद जब यूज़र नेम दूंगा तो मैं यही दूंगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। मेरी कुकी के अंदर जो भी डाटा होगा वो मुझे शो हो जाएगा प्रॉपर्ली। ओपन हो गया ये, ये ओपन हो गया। मैंने यूज़र नेम क्या दिया हारिस, पासवर्ड क्या दिया मैंने 123, ठीक है, और लॉगिन पे क्लिक कर दिया तो लिखा हुआ आ गया प्रॉपर वेलकम पेज, वेलकम हारिस। ये हारिस कहाँ से आया है, मेरी कुकी के अंदर जो मैं डाटा दिया था इसको, ठीक है। कुकी का नाम क्या है, मेरा यूज़र नाम है, इसके अंदर मैं डाटा क्या दिया है हारिस दिया है। ये चीज़ क्लियर है, क्या लिखा हुआ था वेलकम, और आगे जो भी आपने कुकी के अंदर डाटा पास कराया था, जो भी आपने कुकी के अंदर वैल्यू दी थी वो शो हो जाए, और वो शो हो गई प्रॉपर्ली, ठीक है। अब मेरे पास कुकी जो है दो टाइप की होती है, एक होती है परसिस्टेंट और एक होती, एक क्या होती है नॉन परसिस्टेंट। परसिस्टेंट क्या होती है कि जब मेरी जो है, सॉरी नॉन परसिस्टेंट क्या होती है कि जब मैं विंडो क्लोज करूंगा तो मेरा डाटा क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। परसिस्टेंट क्या होती है जिसमें आप जो है एक स्पेसिफिक टाइम तक कुकी को स्टोर कराना चाहें तो वो स्टोर रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं सिंपल क्या करूंगा, इसके साथ टाइम ऐड करा दूंगा, कैसे, मैंने कहा केटी डॉट एक्सपायर्स इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ और डॉट एड सेकेंड्स, ठीक है। कितने सेकेंड्स ऐड करा दिए मैंने, लिख दिया यहाँ पे 25, यानी कि 25 सेकेंड्स तक मेरी कुकी परसिस्ट रहेगी, ठीक है। अब जो है दोबारा मैं इसको रन करता हूँ, मैं लिखा हारिस, पासवर्ड क्या है 123, मैं लॉग इन करा, ठीक है, लिखा आ गया वेलकम हारिस। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट करा, तकरीबन 30 सेकेंड्स तक क्या रहूँगा मैं यहाँ पे लॉग इन रहूँगा, ठीक है। 30 सेकेंड बाद क्या होगा, मेरा टाइम एक्सपायर हो जाएगा, मुझे दोबारा से लॉग इन होना पड़ेगा। कंट्रोल वी, क्या लिखा हुआ आ गया, लॉग इन प्लीज, सही है। यहाँ पे क्या शो हो रहा था, वेलकम हारिस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, लॉग इन प्लीज। लॉग इन प्लीज पे जाता हूँ, दोबारा से मैं लॉग इन हूँगा 123। अब इसका कब तक है मेरे पास टाइम, 30 सेकेंड्स तक ये मेरी कुकी परसिस्ट रहेगी, ठीक है। अच्छा कुकी के बाद क्या है, क्या आते हैं, वो आते हैं सेशंस आते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों में डिफरेंट बिटवीन देखा जाए कि कुकी और सेशन में क्या फ़र्क होता है, कुकी क्या होती है, मेरी कुकी जो है क्लाइंट मशीन पर बनती है, ठीक है, जबकि सेशन क्या है मेरे, वो सर्वर पे बनते हैं। कुकी में जो है 4 KB से बड़ा डाटा नहीं आता, सेशन के अंदर क्या है आपके पास अनलिमिटेड डाटा आप डाल सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। कुकी के अंदर नॉर्मल डाटा ट्रांसफ़र होता है और सेशन के अंदर क्या आता है, आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा आता है, ठीक है, जो आपको सिक्योर रखना होता है क्योंकि ये जो है आपके सर्वर पे बन रहा होता है। अच्छा सेशन क्या है, जब सेशन बनता है तो सेशन के साथ उसकी रैंडम आईडी जनरेट होती है, ठीक है, जो कि 32 बिट होती है, और ये आईडी आपको क्लाइंट के पीसी पे एक ही कुकी के अंदर स्टोर होती है। सेशन की वैल्यू सर्वर में होती है, सेशन की आईडी क्लाइंट पे कुकी पे स्टोर होती है, क्लियर है। अब जो है हमने कुकी स्टोर बना ली है, अब जो है मैं एक सेशन क्रिएट करता हूँ। सेशन किस तरीके से बनाते हैं, मैं जो है इन तीन लाइंस को कमेंट करता हूँ और यहाँ पे लिखा मैंने क्या सेशन, इसको मैंने नाम क्या दिया, नाम मैंने इसको यूज़र ही दिया, ठीक है, और इसको मैंने वैल्यू क्या दी, वैल्यू इसको दे दी मैंने हारिस एहसान, ठीक है। अब मैं आया व्यू के अंदर, अच्छा मैं व्यू कौन सा खोलूंगा, मैं जो है होम का व्यू खोलूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया मैंने सिंपल सेशन लिख दिया, सही है।
इफ सेशन इक्वस टू नल, अगर मेरा सेशन नल होगा तो एक्शन लिंक कौन सा परफॉर्म हो जाए, लॉग इन प्लीज लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पर क्लिक करूंगा तो मैं इंडेक्स एक्शन रिजल्ट पे जाऊंगा जो किस कंट्रोलर के अंदर है, मेरे ऑथ के कंट्रोलर के अंदर है, ठीक है। अगर मेरा सेशन नल नहीं होगा तो मुझे क्या वैल्यू शो होगी, मुझे वैल्यू शो होगी वेलकम एट द रेट सेशन, सेशन का नाम क्या है मेरे, यूज़र ही नाम है, जो भी इस यूज़र के अंदर डाटा होगा वो मुझे शो हो जाएगा, एच टू क्लोज टैग, ठीक है। इसके नीचे मैंने एक पी का टैग भी ले लिया, पी का टैग ओपन क्लोज, इसके अंदर क्या कहा मैंने, एट द रेट एच टी एम एल डॉट एक्शन लिंक, क्या लिखा हुआ आ जाए, लिखा हुआ आई के लॉग आउट, और जैसे ही आप लॉग आउट होंगे तो कौन सा एक्शन रिजल्ट होगा, ये होगा इंडेक्स एक्शन रिजल्ट होगा, और ये इंडेक्स किस कंट्रोलर के अंदर है, ये है मेरा ऑथ कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। लॉग आउट मैं इसको जो है अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है एक्शन रिजल्ट चेंज करता हूँ, मैंने लिखा लॉग, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और एक्शन रिजल्ट बनाता हूँ, ये लॉग मैंने बनाया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पब्लिक एक्शन रिजल्ट लॉग के नाम से, क्या लिखा हुआ है, एक्शन रिजल्ट बना हुआ है एक लॉग के नाम से, सही है। इसके अंदर क्या कह रहा है, सेशन डॉट रिमूव यूजर, यानी कि जो भी सेशन है वो रिमूव हो जाए। अच्छा सेशन का क्या है, आपको जो है रिमूव कराना पड़ता है, सही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन डॉट रिमूव, और नाम क्या है मेरे सेशन का, यूजर नाम है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर, और जब रिमूव होगा तो मुझे क्या रिटर्न होगा, मैंने कहा रिटर्न व्यू इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा मेरा, जो भी इस ऑथ कंट्रोलर का इंडेक्स व्यू होगा मुझे वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, लिखा हुआ यूजर नेम पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हारिस 123 और लॉग इन पे क्लिक कर दिए, ठीक है, वेलकम हारिस एहसान, आगे लिखा हुआ ये क्या है, मेरा सेशन का डाटा आ रहा है, लॉग आउट आ रहा है, लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो वापस कहाँ पे ले गया, ये मेरे ऑथ के इंडेक्स व्यू पे ले गया, लॉग के एक्शन रिजल्ट, ठीक है, क्या है मेरा ऑथ कंट्रोलर है और लॉग क्या है मेरा इसका एक्शन रिजल्ट, इस एक्शन रिजल्ट के अंदर क्या कहा हुआ है कि आपका सेशन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और आपको व्यू किस चीज का रिटर्न हो, जो भी इंडेक्स का व्यू होगा, क्लियर है। दोबारा जो है मैं इसको करता हूं लॉग इन, हारिस पासवर्ड 123 और मैंने इसको लॉग इन किया, दोबारा मुझे जो है बंद करके ओपन करना पड़ेगा, खैर वही चीज होगी, यूजर नेम हारिस पासवर्ड है 123 लॉग इन, लॉग आउट लिखा हुआ है, लॉग आउट पे जाऊंगा तो मेरे पास कहां पे आ गया वापस, ये किस चीज का व्यू रिटर्न कर रहा है मेरा, ऑथ कंट्रोलर का इंडेक्स व्यू, ठीक है। ये जो है इस तरीके से आप सेशन रिमूव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा ये जो है हम लास्ट टॉपिक क्या था हमारा, स्टेट मैनेजमेंट का, ठीक है, हम क्या करेंगे उसी को कंटिन्यू करेंगे, दो चीज़ें हम क्रिएट कर चुके थे, कुकी और सेशन, तो अब क्या देखेंगे हम टेम्प डेटा और एप्लीकेशन स्टेट, ठीक है। टेम्प डेटा क्या है, टेम्प डेटा में आप जो है डेटा सब सीक्वेंट रिक्वेस्ट पे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, यानी कि टेम्प डेटा जो है आपका मल्टीपल व्यू से भी डेटा एक्सेप्ट कर लेता है, मल्टीपल व्यूज क्या लें कि मल्टीपल व्यू से भी रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हैं, सही है। अब टेम डेटा किस तरीके से क्रिएट होता है, ये हमारा पूरा लास्ट टॉपिक था, सेशन यूजर टेम डेटा भी हम बिल्कुल इसी तरीके से देंगे डेटा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे लिखा टेम डेटा, इसको मैंने कोई भी वैल्यू दी, यूजर दी, और मैंने यहाँ पे डेटा क्या दिया, दिस इज माय टेम डेटा, सही है। और व्यू पे स्टोर कराने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आया सॉरी व्यू पे शो कराने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपने जो है इंडेक्स पे आया और यहां पे मैंने क्या लिखा,
ये सब जो है रिमूव भी कर सकता हूँ मैंने, खैर इसी के नीचे लिख दिया। अगर मुझे ये डाटा शो कराना है, मैंने लिखा है इसमें टेम्प डाटा, आगे क्या लिख दिया, आगे इसका मैंने नाम लिख दिया यूज़र, सही है। अच्छा मैं इसको रन करूँगा तो इसका डाटा क्या होगा, प्रॉपर मेरे ब्राउज़र पे शो हो जाएगा, ठीक है, टेम्प डाटा। अच्छा इसके बाद क्या है मेरे पास, वो है एप्लीकेशन स्टेट। एप्लीकेशन स्टेट क्या होती है, इसके अंदर भी आप मल्टीपल सेशंस पूरे के पूरे ऐड करा सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेट से डेटा रिट्रीव करने के लिए आपको जो है टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। टाइप कास्टिंग क्या है कि आप जो है कोई डेटा टाइप जो है कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरी फॉर्म में, सही है। अब जैसे कि मैंने जो है इसी के नीचे लिख दिया, क्या लिखा, HTTP कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और डॉट एप्लीकेशन, इसको भी नेम देता हूँ मैं यूज़र, ठीक है, यूज़र वन नेम दे दिया इसको मैंने, सही है। और मैंने इसको वैल्यू क्या दी, इंटीजर वैल्यू दे दी मैंने 20, सही है। मैंने इसके नीचे एक वेरिएबल लिया, इसका नाम रखा ABC इक्वल्स टू HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन, और आपकी जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है यूज़र, ठीक है, वही आपने यहाँ पे लिख दिया, सही है। आप जो है ऐसे भी इसके अंदर डाटा स्टोर करा के शो करा सकते हैं, और आप चाहे तो इसको व्यू में भी ब्रीदर सेंटेक्स के थ्रू आप प्रिंट करा सकते हैं। तो यही जो है हमारा आज का टॉपिक था, क्या था, स्टेट मैनेजमेंट। कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के होते हैं, स्टेट मैनेजमेंट, चार तरीके से जो है आप स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या था उसके अंदर, आई थी सबसे पहले कुकीज़, ठीक है, उसके बाद क्या था सेशंस, इसके बाद था टेम्प डेटा, और एंड में क्या था, लास्ट क्या था हमारे पास, वो था एप्लीकेशन स्टेट।